हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, मैं आज जा रही हूँ दम आलू की सब्जी बनाने। ये आलू हमने उबाला नहीं है, ये कच्चा आलू का ही बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए लाल वाला, और इसको अच्छी तरह से धो लिए। ये लाल वाला आलू का सब्जी बहुत ही टेस्ट बनता है और ये जल्दी से गलता भी नहीं है। अब हम इसको एक एक करके सबको पीलर से छील लेंगे। तो देखिए, मैं आलू छील रही हूँ। इसको उबालना नहीं है, इसलिए इसको मैं पहले ही छील लूँगी सबको। और ये वाला आलू का सब्जी मेरे पति देव जी बनाते हैं, उनसे ही मैंने सीखी हूँ। वो भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। तो देखिए, और उनको बहुत पसंद भी है, इसीलिए मैं आज बना रही हूँ आलू का सब्जी। तो सारे आलू छिल गए, फिर से हम इसको अच्छी तरह से धो लिए। और इसको काटना नहीं है, इससे जो हम चाय बनाने वाला होता है ना, जो अदरक चूरते हैं लोहा का डंडी चाहे कोई सा भी, हथौड़ी हथौड़ी लेके उसको ऐसे चूर देंगे, उसको अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल अंदर से खाली फटना चाहिए, ताकि इसके अंदर नमक और मसाले अच्छी तरह से चला जाए। तो देखिए, हम एक एक करके इसको सबको आलू को चूर लेते हैं। इसको ऐसा चूरना है कि बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। और इधर हम ले लेते हैं दो तीन प्याज ले लिए काट के, और थोड़ा सा अदरक। सबको काट के रख लेते हैं, और दो टमाटर ले लेते हैं, टमाटर को भी काट लेते हैं। तो सबको काट के हम इसको करेंगे फ्राई। तो इधर देखिए, गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें तेल डाल दिए, थोड़ा ही तेल डाले अभी। अब इसमें हम टमाटर प्याज जो काट के रखे थे उसको डाल के इसको हल्का सा भून लेते हैं, हल्का लाल होने तक भून लेते हैं। तो देखिए, हम आँच कम कर दिए, धीरे धीरे भून रहे हैं इसको। हम इसको पहले भून लेंगे, फिर सबको पीसेंगे इसको। तो देखिए, सब भून रहा है मेरा प्याज टमाटर। इधर देखिए, आलू को फोड़ के ले लिया धो के, सबको धो लिया अच्छी तरह से। अब इधर प्याज टमाटर निकाल दिया, अब इसमें रख देती हूँ, फ्रिज में रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए। जब फ्रिज में रख देंगे जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको पीसेंगे। और इधर देखिए, हमने कढ़ाई में और तेल डाल दिए, तेल गरम हो गया। तो इसमें हम दो तेज पत्ता डाल दिए, और इधर हम ले लिए गरम मसाला साबुत, थोड़ा दालचीनी है, दो चार लौंग है, जावित्री है, सबको हम डाल देते हैं खड़े मसाले को, और थोड़ा सा जीरा, सबको डाल के इसको पकने देते हैं। और हम जो आलू रखे थे फोड़ के, हम सबको डाल के इसको उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इसको फ्राई करेंगे हम जब तक गोल्डन कलर का ना हो जाए। और इधर मेरा फ्रिज में रखी थी प्याज टमाटर, ठंडा हो गया, अब हम इसको पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। तो देखिए, पीस गया, अब हम निकाल लेते हैं इसको दूसरे बर्तन में। और इधर मेरा आलू भी गोल्डन कलर का हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर हो गया देखने में। तो आलू फ्राई हो गया, और मेरा ये भी मसाले भी जो है प्याज टमाटर भी भुना हुआ था, तो हम इसी में डाल दिए इसको। अब इसको हम धीरे आंच करके धीरे धीरे भुनेंगे। और हम इधर मसाला निकाल लेते एक प्लेट में। तो देखिए, मसाले में नमक ले लिए एक चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, और आधा चम्मच है गरम मसाला,
और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा है कस्तूरी मेथी। तो हम सबको मसाला को डाल दिया आलू में। अब मसाला डाल के भी इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको भूनने के लिए रख देते हैं। तब इसको हम ढक्कन ढक के भूनने देते हैं। आलू तो भुना हुआ है ही, लेकिन इसको गलने में टाइम लगेगा। आलू थोड़ा बड़ा साइज का है। तो देखिए 5 मिनट बाद मैंने देखा ढक्कन हटा के, तभी आलू नहीं गला मेरा। मसाला भुन गया लेकिन आलू नहीं गला है। कितना अच्छा कलर आ गया भूनते हुए। तो अब हम इसमें और पानी डाल देते हैं 2 गिलास। और इसको पकने में टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा, क्योंकि कुकर में नहीं उबाले हैं, एक आलू कच्चा है इसलिए टाइम लगेगा। तो हम इसको ढक देते हैं, फिर देखते हैं 10 मिनट बाद। तो देखिए आधा घंटा हो गया था मेरा आलू होते हुए। चक्कू से देख रही हूँ आलू मेरा गल गया है। देखिए आलू हो गया, तो सब्जी बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला सब्जी। अब आप इसको चाहे चावल में खाइए चाहे रोटी में, बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसी प्रकार बना के देखिए मेरा ये बनाने का तरीका। अगर अच्छा लगा होगा आप तो ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट में बताइए कैसा बनाए। बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये लाल वाला आलू है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसी तरह का नए नए रेसिपी लेके मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।